हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी देखिए मेरी बेटी गाड़ी चला रही है। चलो गाड़ी चलाओ। वो अभी बात अभी सीधा जा रही तो सीधा ड्राइव कर रही हूं, जब तेरा जाएंगे तो ऐसे घुमाओ। जब राइट जाएंगे तो राइट तरफ स्टीयरिंग करना है। हाँ, फिर सामने जाएंगे, सामने देख के चलाओ। हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं, आज संडे है, तो आज 19 जून को आज वेस्ट बंगाल में पोलियो डेट है, तो वही सोना को थोड़ा पोलियो खिलाने जा रहे हैं। साथ में आज फादर्स डे भी है और लकीली पापा भी हैं हमारे पास, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि एक केक लाऊंगी अभी। वही अभी केक लाएंगे और दादा पकड़ेंगे मेरा हाथ, पापा पकड़ेंगे मेरा हाथ, मैं काटना उसी को है। और मॉर्निंग में अलोकेश और पापा जाके फीस वीस लेके आ गए हैं, और हम लोग तो आज बंगाली मतलब तो फीस हो गया, मतलब स्पेशल हो गया आज खाना, और खाना खा के मतलब लंच करके ऐसे ही कहीं निकलेंगे थोड़ा सा। ऐसे तो यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही है लेकिन क्लाउडी है, तो लेकिन फिर भी निकलेंगे मतलब कहीं पे आसपास अगर कहीं पे हो तो, क्योंकि छुट्टी के दिन है और मम्मी पापा भी हैं तो घर में बैठने का मन नहीं करेगा। तो केक कटिंग अभी होगा या शाम को हम लोग वापस आने के बाद भी होगा, तो देखते हैं क्या होता है। टांग टांग खेलो পাপা বলুন তো এগুলো কি? কচু গাছের গোড়া, কচু লতি বলে। কচু লতি, কচু কচু কো ইংলিশ মে ক্যা বলতে হ্যায়? এরাম, ARUM, এরাম। এরাম। হ্যাঁ, জেম না? চলে? রুট, রুট। রুট, ও আচ্ছা এগুলো রুট? হ্যাঁ। এরাম রুট না এটা? এরাম রুট। আচ্ছা। আমি কোনোদিন খাইনি কিন্তু এই কিন্তু কি হবে পাপাই রেসিপি বলবে তারপরে আমি করব। আইরিশ ছোটবেলায় খেয়েছি, মা পুকুর ঘর থেকে তুলে আনতো কচু গাছের গোড়া থেকে, এগুলো এখন চাষ হয়। তা যেই বোতলে কিনলাম ওর বড় বলে কি আমি গড়া দেবে না, দেখবেন ভেঙে কামড়ে খেয়ে নিতে বড় হয়েছে আমার। হালকা একটু নুন লাগবে লাস্টের দিকে, চিনি মিষ্টি দিয়েছো তো দাও, নুন একটু লাগবে। এটা মম্মি খুব ভালো বানায়, আর এখানে হচ্ছে করলা ভাজা, আর এখানে মাথা দিয়ে লাউয়ের ঘন্ট, আর আর ওখানে আর মাছ, ফুলকপি আলু দিয়ে, আর মাছ আর মাছ ফুলকপি আলু দিয়ে। বাহ, তুমি এখানে রান্না করো, পাপা ওখানে গিয়ে বলবে বৌমা কাটি। তোমার সঙ্গে ম্যাচিং আছে, পাপার তোমার সঙ্গে ভালো ম্যাচিং আছে। আমার পাপার নিউ পাঞ্জাবিটা ঠিক ফিট হয়েছে তো? বেবিটাকে রেখে যা, বেবি যাবে। দাদানের ওই যে নিউ ইয়েটা ভালো লাগছে পাঞ্জাবিটা? তো আবি হাম লোকা লঞ্চ বন সব হো গিয়া হ্যায় ফিনিশ, আবি হাম লোক থোড়া নিকল রহে হ্যায় বাহার ঘুমনে কে লিয়ে, লেকিন নহি পতা কাহাঁ জায়েঙ্গে বাস, কিউঁকি থোড়া পহলে সে ভি নিকলতে তো কহিঁ দূর জাতে, লেকিন হাম লোক থোড়া লেট মে হি নিকলে, খানা পিনা করকে হি নিকলে হ্যায়, তো থোড়া লেট ভি হো গিয়া হ্যায়, তো আসপাস কহিঁ জায়েঙ্গে, অর খানা তো আজ বাহার হি হোগা, কিউঁকি ফাদার্স ডে স্পেশাল হ্যায়, তো খানা বাহার হি হোগা, তো দেখতে হ্যায় কাহাঁ চলতে হ্যায় ফির।
तो मतलब जो भी कुछ नया देखता है ना, तो उसको बार बार देखने का मन होता है। जैसे टी गार्डन जो है, वो जो पहले नहीं देखे होंगे उन लोगों को बार बार देखना अच्छा ही लगता है। तो मेरे घर से मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर के दूरी में, मतलब टूअर्स दार्जिलिंग, तो मतलब सोना के स्कूल के पास से ही शुरू हो जाता है टी गार्डन, और बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो इसलिए हम लोग 10 10 से 12 किलोमीटर थोड़ा सा ऐसे ही ग्रीनरी देख 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 के गए, और फिर हम लोग वापस आ गए मतलब मॉल वॉल जाने के लिए, क्योंकि हम लोग खा पी के ही आएंगे, तो थोड़ा सा सोना का राइड भी हो जाएगा और मम्मी पापा का घूमना भी हो जाएगा। और ऐसे भी मम्मी बोल रहे थे कि सोना के लिए ड्रेस लेंगे बर्थडे के लिए, तो वो भी देख लेंगे, बस फाइनल नहीं है कि वहीं से लेंगे किसी मॉल से। तो बस थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा और फादर्स डे स्पेशल डिनर भी बाहर हो जाएगा। तो अभी हम लोग का प्लान फिर से चेंज हो गया कि हम लोग मॉल तो जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग गजलडोबा जाएंगे, जो कि मैंने पहले भी एक ब्लॉग डाला था गजलडोबा का। तो पापा लोग तो नहीं देखे हैं, तो और अभी यहाँ पे सिलीगुड़ी में इतना बारिश हो रहा है, तो वहाँ पे देखने का मज़ा आ जाएगा। तो पहले हम लोग गजलडोबा जाएंगे, फिर उसके बाद मॉल जाएंगे। पानी का आवाज़ देखिए, इतना इतना डर लग रहा था, बाप रे बाप, बहुत बहुत ही मतलब आवाज़ था, बहुत डरावना एकदम आवाज़ था। সাবধান আমি ঠিক আছি তোমরা মানি উঠতে কি করে বুঝেছো
খাও খাও চা খাও ঘোরাঘুরি কেমন চললে সোনা ভালো ইয়ামি ইয়ামি और हम लोग बाहर से ना डिनर करके आ गए हैं और अभी रात का 11 बजा है और अभी है जो है केक कटिंग होगा और ये वाला केक मैंने लाया है फादर्स डे के लिए। और सोना तो कोई भी मतलब कुछ भी हो सोना ही केक काटती है तो वही अभी ये देख के सब डर गए हैं। और पापा के लिए कुछ वैसा गिफ्ट नहीं, नॉर्मली वो जो पहने हैं वो आलोकेश लाए हैं उनके लिए जो पंजाबी पहने हैं और बस वही केक और बस सोना का तो मस्ती ही मस्ती, आज उसको रात को नींद ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक है। तो और आज का जो फादर्स डे था बहुत बहुत अच्छा था सेलिब्रेशन हम लोगों का और घूमना फिरना भी हम लोगों का बहुत अच्छा हुआ। और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, हैप्पी फादर्स डे।